स्वागत है आपका IBN9 न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। नगरीय निकाय ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर एक महत्वपूर्ण मीटिंग स्थानीय गोकुलधाम में संपन्न हुई, जिसमें जिला कांग्रेस के किए गए नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत सम्मान इस आयोजन में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा की अध्यक्षता में शुरू हुआ। सर्वप्रथम कांग्रेस समस्त कार्यकर्ताओं को पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कांग्रेस पार्टी का पाठ पढ़ाया। वहीं चेतावनी भी दी कि पार्टी विरोध काम करने वाले व्यक्ति पर निष्कासन की कार्यवाही की जाएगी। इस बार किसी भी हाल में ऐसे लोगों को नहीं बख्शा जाएगा जो कांग्रेस के उम्मीदवार के साथ छल कपट और धोखा दे रहा होगा। कांग्रेस पार्टी द्वारा चल रहे सर्वे में इस सर्वे के आधार पर वार्ड टिकट दिए जाएंगे। सभी लोग एक होकर प्रत्याशी एवं कांग्रेस के पक्ष में कार्य करेंगे। श्री वर्मा ने इस चेतावनी से कार्यकर्ता में एक अलग ही माहौल देखने को मिला। पत्रकारों के सवालों में जवाब देते हुए सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि जिला पंचायत, जनपद पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद के चुनाव को लेकर एक बैठक थी जिसमें कांग्रेस को विजयश्री मिले, इसका मंथन हुआ। त्याग और बलिदान देना पार्टी के लिए समर्पित होगा। जिस भी टिकट जिसे भी मिले उसे जिताना होगा। पदाधिकारियों को भी चेतावनी भरे लहजे में कहा कि पदाधिकारी दो बार मीटिंग में नहीं आता है उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। देखिए, आज आरुंडा नगर में पंचायत, जनपद और जिला पंचायत के चुनाव की और बहुत जल्दी नगर पालिका के चुनाव घोषित होने वाले हैं। नगर पालिका, नगर पंचायतों के चुनाव की भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक थी। इसमें आज उन लोगों का भी सम्मान था जो जिला कांग्रेस कमेटी में आष्टा क्षेत्र के पदाधिकारी बनाए गए हैं, उनका सम्मान और एक दिशा निर्देश जो कांग्रेस के लिए अति आवश्यक है वो दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि भविष्य के जो चुनाव हैं उनमें कांग्रेस को विजयश्री मिल सके। और हमने ये कहा है कि कहीं ना कहीं त्याग और बलिदान की भावना, समर्पण की भावना रख के आपको काम करना पड़ेगा। जिसको टिकट मिले सारे लोग तन मन धन से उसका काम करें और जब भी बैठ के हों जिला कांग्रेस कमेटी की जो यहाँ के पदाधिकारी बने हैं उन्हें उस बैठक में शामिल होना, उपस्थित होना आवश्यक है, वरना दो बैठक तक इंतजार के बाद उन पदाधिकारियों को हटा दिया जाएगा। एक लंबी फेरिस्त है पद पे बैठने वालों की, तो नए लोगों को मौका देंगे। जिनमें समर्पण है वो हर मीटिंग में आएगा और अपनी बात करेगा, पार्टी की बात करेगा। टिकट देने के लिए कोई क्राइटेरिया रखा है क्या? सर, टिकट देने के लिए कोई योग्यता, कोई क्राइटेरिया? देखिए, 50% तो युवाओं को टिकट देना तय है, 27% OBC के साथियों को टिकट देना तय है। हमारी कोशिश होगी 50% से ज़्यादा टिकट युवाओं को दें। ये देश विश्व में सबसे युवा देश माना जाता है भारत, जहाँ 65% युवाओं की आबादी है। तो मेरी चली, मेरी कोशिश हुई तो मैं तो कम से कम 65% युवाओं को टिकट देने की। देखिए, इससे पहले भी एक बार देख चुकी है, कुछ लोग को कांग्रेस से टिकट नहीं मिली, वो BJP में चले गए, तो BJP वालों का कांग्रेस से टिकट मांगा। देखिए, हमने स्पष्ट आज बैठक इसी बात की थी, कांग्रेस जो मैंडेट जारी करेगी, यदि कांग्रेस मैंडेट जारी करेगी किसी व्यक्ति के बारे में। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए IBN9 न्यूज के साथ। नमस्कार।